बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट इज़ अ सैम्पल सॉर्टिंग एल्गोरिदम। दिस सॉर्टिंग एल्गोरिदम कंपेरिजन बेस्ड एल्गोरिदम इन विच ईच पेयर ऑफ एडजेसेंट एलिमेंट इज कम्पेयर्ड एंड द एलिमेंट स्वैप्ड इफ दे आर नॉट इन ऑर्डर। दिस एल्गोरिदम इज नॉट सुटेबल फॉर लार्ज डेटा सेट्स एट इज एवरेज एंड वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी आर ऑफ जीरो ब्रैकेट एन टू वेयर एन इज़ द नंबर ऑफ। मतलब क्या है, इसमें जो बबल सॉर्ट होता है इसमें क्या होता है कि जो एडजेसेंट एलिमेंट्स होते हैं, यानी कोई अनसॉर्टेड अपन को नंबर्स दे रखे हैं, उसमें जो एडजेसेंट एलिमेंट होते हैं उनको एक दूसरे से कंपेयर किया जाता है। अगर वो सॉर्टेड है ऑलरेडी, यानी जो पहले वाला नंबर है वो एडजेसेंट एलिमेंट से लेस देन है, तो वो ऑलरेडी सॉर्टेड है तो उसकी कोई नीड नहीं होगी। बट इफ देयर इज़ नीड ऑफ सॉर्टिंग देन इट विल कंपेरिजन हो जाएगा उन दोनों में, और जो स्मॉल वाला है वो पहले आ जाएगा और ग्रेटर देन वाला बाद में चला जाएगा। अच्छा, ये वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी एवरेज एंड वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी आर, ये है इस, ये एक्चुअली क्या है, जो सॉर्टिंग एल्गोरिदम होती है उनकी वर्स्ट केस की और एवरेज केस की कॉम्प्लेक्सिटी को हम शो करते हैं एक सिंबल से। तो इसको कर रहे हैं जीरो ब्रैकेट एन टू, इसी तरह से और करते हैं, लॉग वगैरह से भी करते हैं, आगे अपन पढ़ेंगे। हाउ बबल सॉर्ट वर्क्स, वी टेक एन अनसॉर्टेड एरे फॉर आर एग्जाम्पल, बबल सॉर्ट टेक्स ओ एन टू टाइम टू, सो वी आर कीपिंग इट शॉर्ट एंड प्रिसाइज। देखो, देर इज एन एग्जाम्पल, अनसॉर्टेड नंबर दे रखे हैं 14, 33, 27, 35 और 10। तो बबल सॉर्ट स्टार्ट विद वेरी फर्स्ट टू एलिमेंट्स, यानी 14 और 33 से, कंपेयरिंग देम टू चेक एंड विच वन इज ग्रेटर, जो भी ग्रेटर है वो क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। और अभी ऑलरेडी सॉर्टेड है, यानी 14 और 33 में 14 ऑलरेडी स्मॉल है, तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन है, तो पहले ही रहेगा, तो सॉर्टेड है। इन दिस केस वैल्यू 33 इज ग्रेटर देन 14, सो इट इज़ ऑलरेडी इन सॉर्टेड लोकेशन। नेक्स्ट वी कंपेयर 33 विथ 27, तो 33 को 27 से कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करने के बाद वी फाइंड दैट 27 इज स्मॉलर देन 33 एंड दीज टू वैल्यूज मस्ट बी स्वैप्ड, एक दूसरे से स्वैप्ड हो जाएगी, तो 27 पहले आ जाएगा और 33 बाद में चला जाएगा। तो अब नाउ फ्रॉम 14 टू 33 क्या है, ये सॉर्टेड है। नेक्स्ट वी विल कंपेयर 33 टू एंड 35, तो 33 35 वही ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो इनको भी कोई नीड नहीं होगी। नेक्स्ट हम करेंगे, वी नो दैट 10 इज स्मॉलर देन 35, तो ये दे आर नॉट सॉर्टेड, तो इसको सॉर्टिंग करेंगे, ठीक है। तो देखो, ये यहाँ एक फेज़ हो गया, तो इस फेज़ को कहते हैं आइट्रेशन। क्या कहते हैं, आइट्रेशन फर्स्ट हो गया। क्या हो गया, आइट्रेशन फर्स्ट हो गया। अब नेक्स्ट आइट्रेशन करेंगे टू बी द प्रिसाइज, वी आर नो शोइंग हाउ एन एरे शुड लुक लाइक आफ्टर ईच आइट्रेशन, ठीक है। तो सेकेंड आइट्रेशन में वही जो हमने पहले प्रोसेस किया था कि 14 और 27 ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो इनको करने से, लेकिन 27 और 10 क्या है, अनसॉर्टेड है, तो इन दोनों को सॉर्टेड करेंगे तो 10 पहले आ जाएगा, 27 बाद में। फिर नेक्स्ट में 10 टू 14 को कर लेंगे, 14 टू 10 को कर लेंगे, इस तरह से पूरा ये कम्प्लीटली क्या हो जाएगा, सॉर्टेड हो जाएगा। अब इसका मैं एक और एग्जाम्पल लूँगा, वो हैंड रिटन में आपको वीडियो अपलोड करूँगा, ठीक है। इससे आगे का हम लोग ये देखें, उसके एल्गोरिदम वी, अच्छा एल्गोरिदम हम जो ये यूज़ करते हैं ना, एलिमेंट्स हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। स्वैप करने का मतलब एक दूसरे से इंटरचेंज करना। वी अज्यूम लिस्ट इज एन एरे ऑफ एन एलिमेंट्स, वी फर्दर अज्यूम दैट स्वैप फंक्शन स्वैप द वैल्यूज ऑफ गिवन एरे एलिम। तो बिगिन बबल सॉर्ट, ये नॉर्मल लिखना होता है, फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट इफ लिस्ट आई, यानी जो लिस्ट है वो इज ग्रेटर देन है लिस्ट आई प्लस वन, उससे आगे वाले नंबर से। आई एक नंबर हो गया, जैसे मान लो ये 14 क्या था, आई है, ठीक है, तो 14 आई है, उसके बाद 14 लिस्ट का आई, यानी 14 क्या है, ग्रेटर देन है लिस्ट आई प्लस वन, यानी इसके नेक्स्ट वाले नंबर से, तो क्या कर देंगे, स्वैप कर देंगे किसको, लिस्ट आई को और लिस्ट आई प्लस वन, यानी 14 और 33 जो लिया था। एंड इफ एंड फॉर रिटर्न लिस्ट, वापस रिटर्न लिस्ट में आ जाएंगे, और ये प्रोसेस चलता रहेगा, कब तक चलता रहेगा, जब तक ये करते रहेंगे, लास्ट में एंड बबल सॉर्ट हो जाएगा। अभी सी प्रोग्राम है, इसका मैं ऐसा करूँगा कि प्रोग्राम बना के पूरा वीडियो का, और प्रोग्राम बना के और इसका स्क्रीन शॉट वीडियो लेके मैं आपको स्क्रीन वीडियो बना के वीडियो स्कैनर से और आपको वो अपलोड कर दूँगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको हैंड रिटन एक एग्जाम्पल लेके बबल सॉर्ट का समझाऊँगा। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में।